कर लोगे? अभी नहीं कर सकते। लैपटॉप तो है हमारे पास, बट आप चाहो तो कर सकते हो, हमने इससे रिक्वेस्ट कर रखी है ऋतिक से। चलिए चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आइडियल स्प्रिंग की बात कर रहे थे, तो फर्स्ट अजम्पशन है कि ये मासलेस है या प्रॉपर्टी कह लो, इट इज मासलेस। सेकेंड, डिफॉर्मेशन इज यूनिफॉर्म। मान लो बेटा, यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस स्प्रिंग का सपोज 10 सेंटीमीटर नेचुरल लेंथ है, जब इसमें कोई ना तो कंप्रेशन है और ना ही एलोंगेशन है, मान लीजिए मैं 10 सेंटीमीटर को ऐसे एलोंगेशन करके मैं 12 सेंटीमीटर 20% इंक्रीज कर दूं इसकी लेंथ को, तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि आपने जो इंक्रीमेंट किया है फोर्स लगा के, जो एलोंगेशन किया है, एक्स इज द एलोंगेशन, वो पूरी लेंथ में हुआ हो यूनिफॉर्म एकदम। जैसे अगर मैं यहाँ पे मार्क लगा दूं, मान लीजिए 1-2, या अगर मैं मिड पॉइंट पे ऐसे मार्क कर दूं, तो 5 सेंटीमीटर ये था, 5 सेंटीमीटर ये था, 10 सेंटीमीटर था, लेट अस सपोज टोटल लेंथ, नेचुरल लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, अब आपने इसको पुल करके टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर कर दी, तो आप अगर मिड पॉइंट वाले मार्क पे जाएंगे, जो मान लीजिए आपने मार्क लगाया था यहाँ रेड कलर से आपने मार्क लगाया था, तो आप पाएंगे कि ये 6 सेंटीमीटर होगा और ये 6 सेंटीमीटर, मतलब जितना इंक्रीमेंट फर्स्ट हाफ में हुआ है उतना ही इंक्रीमेंट सेकेंड हाफ में होगा। ऐसा नहीं होगा कि आगे डिफॉर्मेशन अधिक हो जाए और पीछे तक पहुंचे ही ना सर। जैसे मैं एक फोटो बना के दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे। जैसे मान लेते हैं कि मैं अगर कह दूं यहां पर तो ऐसा ही है और यहां पे ऐसे हो गया, मतलब जब आपने इस स्प्रिंग को पकड़ के खींचा, इस स्प्रिंग को पकड़ के खींचा, तो आगे वाला स्प्रिंग ज्यादा डिफॉर्म हो गया, पीछे वाले में डिफॉर्मेशन कम हुआ। इस तरह के डिफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? कहीं कम कहीं ज्यादा, पर आइडियल स्प्रिंग में कैसा होता है? यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन। बात समझ में आ गई? बिल्कुल फर्क पड़ जाता है, क्लियर नहीं दिख रहा। फिर इस स्प्रिंग में फोर्स यूनिफॉर्म नहीं होगा। यस बेटा, सर क्लियर नहीं दिख रहा है। देखो नेटवर्क चेक करो अपना, नेटवर्क गड़बड़ होगा तुम्हारा, यहाँ पे तो वाईफाई काफी अच्छा है, 300 Mbps वाला है अब तो इस समय। क्यों, हमारा वाईफाई से ही चल रहा है ना? तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ करेगा बेटा, विशेषता है ना, इसीलिए तो देख लेना है ना, क्योंकि यहाँ पे ठीक चल रहा है। Yes, मैंने मोबाइल में भी इसलिए वाईफाई कनेक्ट नहीं कर रखा कि कोई यूज तो नहीं कर रहा है वाईफाई, बंद कर देना। पासवर्ड पता है तुम लोग को? अच्छा, नेट स्लो चल रहा है, करण भी कह रहे हैं नेट स्लो चल रहा है। एक्चुअली मौसम खराब है ना, अभी आंधी आई है, फिर पानी बरस रहा है, तो नेट स्लो हो गया होगा। तो मैं ये कह रहा था, फलाने भाई साहब पूछ रहे थे, क्या नाम इनका, आयुष जी, कि इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आइडियल स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होता है, जो बॉडी स्प्रिंग के अंदर फोर्स डेवलप होता है, जैसे किसी धागे को, स्ट्रिंग को जब हम पुल करते थे, तो उसके सभी इंटरनल पॉइंट पर एक टेंशन फोर्स डेवलप होता था, टी से रिप्रेजेंट करते थे। ऐसे जब एक स्प्रिंग को हम पुल करते हैं, तो स्प्रिंग के सभी इंटरनल पॉइंट पर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, इसे इलास्टिक, ये इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं, इलास्टिक फोर्स होता है। और जो स्प्रिंग का फोर्स होता है वो हुक्स लॉ फॉलो करता है। तो जो स्प्रिंग फोर्स, हुक्स कह लो या हुक्स कह लो, मैं तो बचपन से हुक्स कहता आ रहा हूँ, HOOK होता है वैसे। स्प्रिंग फोर्स जो होता है बेटा, वो स्प्रिंग फोर्स होता है, वो स्प्रिंग का फोर्स, वो माइनस के एक्स के इक्वल होता है, वेयर एक्स के इज कॉल्ड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट और फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कहते हैं या फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ द स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है बेटा, इतनी स्टोरी क्लियर है? अब ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है, ये जो स्प्रिंग फोर्स है, ये बेसिकली है
फोर्स बाय स्प्रिंग ऑन द बॉडी. ये स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स बॉडी पर कितना होगा, राइट? तो फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग ऑन द बॉडी विच इज अपोजिट टू द डिफॉर्मेशन. जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा, जैसे मान लो बेटा यहां पर एक बॉडी एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, एक बॉडी एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका मास एम है और अभी इस स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल लेंथ है. तो अभी ये स्प्रिंग इस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगा रही होगी क्योंकि अभी कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है. तो कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, देयर विल बी नो फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू स्प्रिंग. अब अगर इस बॉडी को मैं कोई पकड़ के राइट डायरेक्शन में थोड़ा पुल कर देता है, सपोज मैं बेटा इस बॉडी को राइट डायरेक्शन में पुल कर देता हूं, तो इसकी वजह से ये जो स्प्रिंग होगा, इस स्प्रिंग में क्या हो जाएगा बेटा, इस स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन हो जाएगा जिसे हम एलोंगेशन कहेंगे. लेंथ स्प्रिंग की बढ़ रही है, इट इज कॉल्ड एलोंगेशन. बात समझ में आ रही है? इस एलोंगेशन की वजह से ये बॉडी पे एक ऐसे अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा ऐसे, क्योंकि देखिए एक्स की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट. तो जो बॉडी पे फोर्स लग रहा होगा, इस फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा के इनटू एक्स और डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक्स वेक्टर के अपोजिट होगी फोर्स की डायरेक्शन, इसीलिए बेटा ये माइनस साइन यहां पर आया. और आप समझ भी सकते हो यार, एक स्प्रिंग है, अगर उसको आप ऐसे खींच दोगे तो वो क्या ट्राई करेगी, सिकुड़ने की कोशिश करेगी. इलास्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करने का प्रयास करती है, तो ये अंदर की तरफ भागने का प्रयास करेगी. तो इस बॉडी पे अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी जिसकी वैल्यू क्या होगी, kx. तो kx होगा. तो हम कैलकुलेशन करते वक्त कभी माइनस kx नहीं लिखेंगे, लेकिन हम जब हुक्स लॉ लिखते हैं तो स्प्रिंग का फोर्स माइनस kx लिखते हैं. यहां पर माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि जो बॉडी पर स्प्रिंग फोर्स लगाएगी वो डिफॉर्मेशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा. पर वैसे बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो वो एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, तो आउटवर्ड फोर्स लगाएगी बाहर की तरफ. अगर उसे एलोंगेशन कर दोगे तो सिकुड़ने का प्रयास करेगी, अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी. इसीलिए स्प्रिंग का नेचर ऑफ डिफॉर्मेशन क्या है, इस बात पर डिपेंड करता है कि स्प्रिंग का फोर्स पुलिंग टाइप होगा या पुशिंग टाइप होगा. पुश करेगी स्प्रिंग किसी बॉडी को, जैसे यहां पर बताओ पुश कर रही है या पुल कर रही है, पुल कर रही है अंदर की तरफ. बट अगर मैं यहां पर एक डायग्राम और बनाऊं, मान लो ये नेचुरल लेंथ थी और मैंने इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया, ये मान लीजिए मैंने एक्स अंदर की तरफ कंप्रेस कर दिया, ये नेचुरल लेंथ है एल नॉट, तो बताओ स्प्रिंग इस बॉडी पे कैसे फोर्स लगाएगी. तो अब ये एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, तो ये इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में के एक्स फोर्स लगाएगी. तो स्प्रिंग बॉडी पे ऐसे लगाएगी, तो स्प्रिंग पे अगर देखना हो तो सेम फोर्स स्प्रिंग पे अंदर की तरफ लगेगा, लगेगा ना. तो एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है, जितना बॉडी स्प्रिंग पे लगा रही है या स्प्रिंग बॉडी पे लगा रही है उतना ही बॉडी स्प्रिंग पे भी लगा रही होगी, ठीक है. तो नेचर ऑफ फोर्स क्या होता है बेटा, तो यहां पर आप कह सकते हो स्प्रिंग फोर्स कैन बी पुलिंग एंड पुशिंग बोथ. अगर स्प्रिंग एलोंगेटेड है इट विल बी पुलिंग इन नेचर, अगर स्प्रिंग में कंप्रेशन है तो वो पुशिंग नेचर का होगा. लिख लो फटाफट.
एकांश नोट्स बनाते चलो, रिवाइज करना पड़ेगा, लिख लिया। डायग्राम वायग्राम भी अच्छे होते हैं, जरूरी होते हैं, है ना, क्योंकि कल को जब रिवाइज करोगे फाइनल एग्जाम तक आते आते तो कॉपी रिवाइज करनी पड़ेगी, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नोट्स अच्छे से बनाओगे। शीट सॉल्व कर ली, काइनेमेटिक्स में कितनी क्विज हो गई अभी तक सॉल्व नहीं हुई, कोई भी नहीं आ रहा क्वेश्चन, कितने 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 क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करने चाहिए उसमें, टोटल कितने थे 17 में 12 बताने पड़ेंगे, तब तो फ्री टाइम में बताएंगे। कुछ तो उसी कुछ में आज टाइम दे दे, आज मैं काइनेमेटिक्स की कुछ लूं उसको टेस्ट के फॉर्म में लूंगा, आज मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की एक क्विज लूंगा, है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, आधा घंटे की क्विज हर क्लास में हो तो इसलिए पूछने की जरूरत नहीं है कि किस उसमें हो। चलो अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सबसे पहले आप ये देख लो, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा इसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लो कि हमने बताया था जैसे मासलेस स्ट्रिंग होती थी, जो आइडियल स्ट्रिंग होती थी, ऐसे ही आइडियल स्प्रिंग है, स्प्रिंग का टेंशन फोर्स हमेशा पुलिंग नेचर का होता था, और एक खास बात बताई थी कि पूरी लेंथ में यूनिफॉर्म होता था, जो टेंशन फोर्स होता था स्ट्रिंग के किसी भी इंटरनल पॉइंट पे एक्शन रिएक्शन फोर्स डेवलप होता था। ऐसे जब स्प्रिंग, मेरी बात समझना बेटा, जैसे ये स्प्रिंग है, मान लो इसको तुमने खींच रखा है, पकड़ के तुमने ऐसे खींच रखा है, इस पर कुछ फोर्स लगा रखा है, तो तुम्हारे हाथों पे ये स्प्रिंग अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। अगर मान लो एक्स पुल कर रखा है तो तुम्हारे हाथों को स्प्रिंग अंदर की तरफ खींच रहा होगा, और तुम इस स्प्रिंग पे कैसे फोर्स लगा रहे होगे, तो तुम सेम फोर्स बाहर की तरफ लगा रहे होगे। तो ये अगर मैं कहूं कि ये वाला फोर्स कौन सा है, ये वाला, ये, तो आप कहोगे दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग ऑन द मैन, और ये बाहर वाली तरफ लग रहा है, ये कौन, बाय मैन ऑन द स्प्रिंग, दोनों के ठीक है एक्शन रिएक्शन फोर्स है बेटा। अब अगर मैं कहूं कि क्या, देखो बच्चों के मन में कई बार ये बात रहती है कि जो स्प्रिंग बॉडी पे लगाता है उसकी वैल्यू kx ना, दरअसल ये जो kx फोर्स होता है ये स्प्रिंग की पूरी बॉडी में डेवलप होता है, ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से आया है। मतलब अगर मैं यहां से कट करके इमेजिन करूं, यहां से कट करके इमेजिन करूं, कट नहीं कर रहा हूं एक प्रैक्टिकली,
मैं कहूं इतने को सिस्टम मानो, तो इतने को अगर आप सिस्टम मानोगे, सोचो यहां पे केक्स लग रहा है और ये इस स्प्रिंग, ये स्प्रिंग कहीं जा ही नहीं रहा है, तो अगर मैं कहूं कि बताओ इस एंड पॉइंट पे भी एक केक्स ऐसे लगना चाहिए कि नहीं बैलेंस करने के लिए, और अगर मैं इसको पोर्शन, ये पोर्शन ले लूं, तो एक तरफ से तो चलो वॉल से कनेक्टेड है, तो जब इस और ये जो केक्स है इस वाले स्प्रिंग पे, ये किसने लगाया, इस वाले स्प्रिंग ने इस पे ऐसे लगाया इस पोर्शन पे यहाँ पे, और उसका रिएक्शन इस पे ऐसे केक्स लग रहा होगा, तो ये फोर्स जो केक्स आप देख रहे हो है ना, ये फोर्स जो केक्स आप देख रहे हो दोनों, तो ये यहां पर कैसा है इंटरनल, तो किसी भी पॉइंट पर यहां 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 हर जगह है ये इंटरनल फोर्स जिसकी वैल्यू केक्स है, मतलब स्प्रिंग की पूरी बॉडी में डेवलप होता है। कोई आपसे पूछे कि बताओ स्प्रिंग पे हमने 10 न्यूटन फोर्स यहां लगाया, तो यहां स्प्रिंग में टेंशन कितना होगा या इंटरनल फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन, यहां कितना होगा 10 10 10, एट एवरी पॉइंट देयर इज अ एक्शन रिएक्शन फोर्स जो कि केएक्स के बराबर होगा, है ना। मतलब अगर मैं स्प्रिंग को यहां से कट करके और ये वाला एंड पकड़ के इसको होल्ड कर लूं यहीं पे, सिकुड़ने ना दूं, तो यहां पे पूछे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो वही होगा जो यहां पे लग रहा होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो यहां पर मैं बस ये मैसेज देना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे ये मानते हैं कि एक स्प्रिंग भी जो बॉडी पर फोर्स लगाती है वो केएक्स होता है, डेफिनेटली केएक्स होता है बेटा, लेकिन ये जो केएक्स होता है ये सिर्फ एंड पॉइंट पे नहीं होता, ये स्प्रिंग की पूरी बॉडी में डेवलप होने वाला फोर्स होता है, एक तरह से तुम स्प्रिंग का टेंशन कह सकते हो, और मासलेस अगर स्प्रिंग है तो उसकी हर पॉइंट पर टेंशन फोर्स क्या होगा, सेम होता है। ठीक है ना, तो आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं। एक चीज और समझ लो बेटा, जो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, अगर जैसे आप कई तरह से रीडिंग लेते, एक होता है वेइंग मशीन जो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है, हमारे वेट की रीडिंग हमने बताया था, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन अगर रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस अगर हो, कोई भी स्प्रिंग बैलेंस हो उसकी रीडिंग अगर लेनी हो, तो इसका क्या मतलब होता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, जैसे बॉक्स टाइप बना देगा, ये विंग मशीन है और यहाँ पर कुछ ऐसे मार कर रखा होगा, इससे जब आप बॉडी लटकाओगे, मान लो यहां से आपने एक बॉडी लटका दी, ये बॉडी स्प्रिंग को पुल करती है जिससे ये मेजर करती है बॉडी का वेट, तो स्प्रिंग बैलेंस से जब बॉडी का वेट या कोई भी फोर्स मेजर करते हो, तो जो रीडिंग होती है बेटा, याद रखना स्प्रिंग की रीडिंग हमेशा स्प्रिंग फोर्स के बराबर होती है, मतलब स्प्रिंग के एलोंगेशन में जो भी स्प्रिंग के अंदर फोर्स डेवलप होता है वही आप कह सकते हो यहां पर वेट को बैलेंस करके रखा होगा, या किसी भी क्वेश्चन में अगर स्प्रिंग की रीडिंग पूछी जाए तो स्प्रिंग की रीडिंग फोर्स इज एक्चुअली द फोर्स डेवलप्ड इन द स्प्रिंग। बात समझ में, स्प्रिंग के अंदर डेवलप होने वाला स्प्रिंग का फोर्स ही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसका मतलब अगर कोई हमसे पूछे कभी कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग, तो रीडिंग में आप ये समझ लेना कि के इंटू एक्स की वैल्यू हमको बतानी है डायरेक्टली, और अगर पूछे व्हाट इज डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग, एलोंगेशन और कंप्रेशन, तो इसका मतलब हमें एक्स की वैल्यू बतानी। वर्क पावर एनर्जी में पढ़ेंगे तो स्प्रिंग की एनर्जी भी पूछेगा, पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे, वो होता है 1/2, वो अभी नहीं बता रहा हूँ, के एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का, पर ये वर्क पावर एनर्जी में टॉपिक आएगा तो इसको तब पढ़ेंगे। मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लेते हैं एक ये स्प्रिंग बैलेंस है और ये एम मास की बॉडी हमने लटका रखी है, ये स्प्रिंग बैलेंस 5 किलोग्राम है सपोज, और ये के है मान लेते हैं 40 न्यूटन पर मीटर, और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते, और ये ब्लॉक स्टेशनरी है, रेस्ट पे लटका हुआ है। आपसे कहा जाता है Find out reading of spring. Spring की reading बतानी है, deformation बताना है, और potential energy भी है। Formula तो बता ही दिया है तो ये भी लिख लेते हैं, हालांकि इसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा, पर अभी आपको हो सकता है स्कूल में एग्जाम देना हो, पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले, तब तक हम वहां पहुंचेंगे नहीं, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन भी तो पढ़ाना है अभी। तो अब पहले सबसे पहले आप सोचो,
आप खुद सोचो, आपने जब ये बॉडी लटकाई होगी तो उस बॉडी ने स्प्रिंग को खींचा होगा थोड़ा सा और तब जाके रुकी होगी। इसका मतलब ये जो बॉडी है कैसे रुकी हुई है, एक तो इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा होगा, वेट, बॉडी का वेट क्या होता है, एम इंटू जी, जी की वैल्यू हम 10 ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये बॉडी का वेट इसको नीचे की तरफ पुल कर रहा होगा और स्प्रिंग एक फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, ये लगा रहा होगा नहीं, क्योंकि जब ये बॉडी लटकी होगी इसने ऐसे नीचे की तरफ पुल किया होगा तो स्प्रिंग ये खिंच गया होगा, खिंच गया होगा ना, तो स्प्रिंग जब खिंच गया होगा तो ऐसे सिकुड़ने की कोशिश करेगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो केएक्स फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा, पुलिंग नेचर का। आप सोचो ना, स्प्रिंग छत से लटका, उस पर खुद लटक जाओ, तो तुम स्प्रिंग पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे होगे, तुम पे स्प्रिंग कैसा फोर्स लगाएगा आपको, पुलिंग फोर्स। और इसका एक्सेलरेशन कितना है, बॉडी, इसका मतलब बॉडी पर जो फोर्सेस है वो कैसे है, बैलेंस है। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो एफ नेट, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, और दो अपोजिट फोर्स है तो ये के एक्स माइनस 5g, ये, और ए की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब के एक्स जो होगा वो 5g के। और आपको पता ही है कि जब एक्सेलरेशन जीरो है तो दोनों फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब रीडिंग आ गई स्प्रिंग की, रीडिंग आ गई हमारी, रीडिंग क्या होती है स्प्रिंग फोर्स की, रीडिंग क्या होती है, के, तो के एक्स की वैल्यू क्या है, 5 into g, अगर जी 10 है तो रीडिंग कितनी हो गई, 50 न्यूटन, 50, और मैंने बताया था न्यूटन को अगर केजी वेट में कन्वर्ट करना हो तो जी से डिवाइड कर दो, तो 5 kg वेट, ऐसे भी कह सकते हो, समझ में आ रही बात, बहुत बढ़िया। अब हमको बताना है डिफॉर्मेशन, मतलब एक्स बताना है, तो के एक्स इक्वल टू 5g में के रख दो, 5g 50 हो गया तो x क्या आ गया, 1.25 मीटर, ये डिफॉर्मेशन आ गया। पोटेंशियल एनर्जी बताना है तो क्या करोगे, 1/2 kx स्क्वायर, तो 40/2, और x क्या है, ये आपकी एनर्जी का यूनिट होता है जूल, ये अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा, फॉर्मूले से काम चला लो अभी, ठीक है ना। तो यहां पर बात हो जाएगी इस तरह से, बहुत छोटा सरल सवाल, एकदम सरल सवाल है, लेकिन हम थोड़े अच्छे सवाल भी करेंगे, तो आप पहले इसको लिख लो फिर हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। बेसिकली एकांश हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के एप्लीकेशन करते हैं 11th में, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन है, बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो हमने जो पिछली 4-5 क्लासेस में किया है वो यही सब किया है। एक बार अगर उसको एक नजर देख लोगे तो 200% आपको अगली क्लास में मजा आने लगेगा। जितने हमने क्वेश्चन कराए हैं, हमने क्या कहा था, 10 क्वेश्चन पर डे करना, कोई 10 क्वेश्चन पर डे नहीं कर रहा है, बहुत दुखद है ये। हम 100 करवा चुके हैं, लेकिन तुमने 100 नहीं किए अपने आप से, हमको और सिखाते चले जाओ। 40 में क्या होता है, अच्छा तो तब होता 40 शीट के किए, 40 नूतन के कर लेते, 20 NCERT के कर लेते, अच्छा तो तब होता, बस सर से ही करवाते रहो सारे सवाल। हाँ बेटा, नहीं नहीं तो के चेंज हो जाता है, इतने पोर्शन का के अलग होगा, पूरे का के दिया है ना, कि ये कटिंग ऑफ स्प्रिंग में पढ़ाएंगे, कटिंग ऑफ स्प्रिंग में, दिमाग काम कर रहा है गुरु एकांश का, पढ़ा है उसने ऑनलाइन, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं यहाँ काम करेगा, बस मेरी थोड़ी सी बात, 4 दिन मेहनत कर लो, बस 2 दिन में ये 5 लेक्चर देख डालो, इसके बाद तुम अपने 2-3 दिन मेरी बात मान लो बस। उसका रीजन है ना कि फिजिक्स में ये जो मैकेनिक्स पोर्शन है पूरा 2 महीने का, इसमें पूरा रिलेटेड है। केमिस्ट्री में तो ये है, एक चैप्टर खत्म होगा आगे से सुख ही सुख होगा, मतलब समझ आने लगेगा। मैथ्स में भी ऐसे ही होता है कि एक प्रोग्रेशन गई, क्वाड्रेटिक गई, तो फिर थोड़ा नया आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आती हो क्वाड्रेटिक चाहे ना आती हो, है ना। फिजिक्स में ये नहीं है, फिजिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं आएगा तो फ्रिक्शन समझ नहीं आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे तो सर्कुलर नहीं आएगा, और ये तीनों नहीं आएंगे तो वर्क फॉर एनर्जी में फोर्स का ही वर्क निकालने वाले हो, फिर उसमें तब समझ आएगा जब मैकेनिक्स खत्म हो जाएगी, मतलब 11th का 70% कोर्स, 30% में फिर फ्लूइड आता है, हीट आता है, वेव आता है, 3 यूनिट बचती। इसलिए अगला सवाल दे, चलो भाई रीडिंग निकालो,
एक लिफ्ट है, लिफ्ट से एक स्प्रिंग बैलेंस लटका हुआ है, उससे एक बॉडी लटकी हुई है, 10 kg का बॉडी का मास है, ये स्प्रिंग बैलेंस है, और ये पूरी लिफ्ट, ये बॉडी लिफ्ट के रिलेटिव में स्टैटिक है, पर ये पूरी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन है 4 m/s², जी की वैल्यू 10 m/s, के के की वैल्यू है 200 N/m, 3 चीजें बतानी है, वही 3 चीजें क्या क्या बताना है, एक तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, एक डिफॉर्मेशन, और तीसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। बस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और न्यूटन्स लॉ लिखेंगे। बताओ भाई, देखो अगर मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं कि बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो एक बॉडी का वेट लग रहा होगा m×g डाउनवर्ड, ठीक है, और एक स्प्रिंग खिंचा हुआ होगा तो एक अपवर्ड पुलिंग फोर्स लगाएगा kx, और बॉडी का एक्सेलरेशन है a=4। यहां पर kx mg के इक्वल नहीं होगा, हमें न्यूटन्स लॉ लगाना पड़ेगा। तो नेट फोर्स, बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, और यहां पर हमने बताया था एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो हम केएक्स माइनस लेंगे, जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उस फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, तो क्या लिखेंगे, एफ नेट की वैल्यू केएक्स माइनस 10g, ये एफ की जगह आ जाएगा बेटा, मास कितना है 10 और एक्सेलरेशन 8, यहां से केएक्स की वैल्यू आ रही है 10 ब्रैकेट में जी प्लस ए, दोनों की वैल्यू जी 10 है ए 4 है, तो ये 140 N, तो केएक्स इज इक्वल टू 140 N आ गया, ये रीडिंग आ गई, क्या है ये बेटा, ये किसमें होगी, ये न्यूटन में, ठीक है, न्यूटन में रीडिंग आ गई। अब अगर हमको डिफॉर्मेशन चाहिए तो के की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 200 के की वैल्यू पुट कर दी, केएक्स है 140, तो x आ रहा है बेटा 0.7 m, ये x आ रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी है k/2x², k/2 100 हो जाएगा, और 0.7 का स्क्वायर 49 J इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। बताओ भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो, ये बस न्यूटन्स लॉ में लगाना है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी, न्यूटन का सेकेंड लॉ है, कहां सुना होगा तुमने ये, बस इसको ध्यान रखो कैसे लगाते हैं, जब भी बॉडी पर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हो तो जिस डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन होता है वो फोर्सेस बड़े होते हैं जनरली, तो उनको पॉजिटिव लिखते हैं, उसमें अपोजिट वाले घटा देते हैं, तो ए ऊपर की तरफ है तो के एक्स फोर्स ए की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, अपोजिट कौन लग रहा है, वेट एम जी, वो घटा दिया, तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया नेट फोर्स, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, उस केस में के एक्स और एम जी बराबर हो जाएगा, समझ रहे हो बेटा,
कुछ ना लिखो, सीधे लिखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, इतने समझदार थे, इसमें कोई जुगाड़ थोड़ी ना लगा रहे हो, सीधे लिखो भाई, सीधे लिखो ना भाई, अप्लाइंग एफ इज इक्वल टू एम ए, दैट्स ऑल। ये तो हम तुम्हें याद करने का तरीका बता रहे हैं, कैसे आप इसको, अगर मैं बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में लिख दूं तो घबरा जाओगे। जैसे सुनो, नेट अगर वेक्टोरियली अप्लाई होता है एक्चुअली, ये ऐसे होता है, तो दो फोर्सेस हैं, एक है के एक्स वेक्टर, एक है एम जी वेक्टर इज इक्वल टू एम ए, फिर मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लूंगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा। अब ये दो वेक्टर चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 डिग्री पे वेक्टर का रिजल्टेंट ए माइनस होता है, तो अब यहां से जो बड़ा होगा उसमें छोटा सा घट जाएगा, इज इक्वल टू एम ए। ये लाइनें फालतू, ये जब कभी MIT के लेक्चर देखो तो ऐसे लिख के दिखाएंगे, वेक्टोरियली लिखते हैं, ये तीन लाइनें समझ लो, यहां से शुरू कर रहे हैं, तो वेक्टोरियली एक्चुअली लिखना, कई बार लिखा होता है तुमसे, लिख देगा कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, एम जी वेक्टर प्लस के एक्स वेक्टर इज इक्वल टू एम ए करेक्ट है, या के एक्स वेक्टर माइनस एम जी वेक्टर इज इक्वल टू एम ए करेक्ट है। तो 90% लोगों को ये वाला सोच करके ये करेक्ट मार देंगे कि ये रॉन्ग है, ये करेक्ट, क्योंकि ये फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज नहीं लिखे हैं, वो वेक्टोरियली, तो वेक्टर हमेशा नेट फोर्स क्या होता है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो, वो तो जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तब रियलाइज होगा कि 180 डिग्री एंगल है, इसलिए ए माइनस बी हो जाएगा। ये हमने वेक्टोरियल नहीं लिखा, यहां हमने रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा है, समझ में आ रही बात, तो वेक्टोरियली ये वाला रॉन्ग है, ये वाला करेक्ट है, देखा, छोटी सी बात है, ये होता है डाउट पूछने से। श्रेया, किसने डाउट पूछा था, प्रांत से, अरे उसको क्या लिखना यार, ऐसे तो मैं बहुत कुछ बोलता रहता, नहीं ठीक है, जो बोर्ड पे लिखा है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लिखता तो 40% हूँ, 60% तो हवा में रहता है, तो ये साउंड वेव बहुत जरूरी है। बात मिटा दू, आप देखो एक भयंकर कंफ्यूजन होता है, पहले मैं तुम लोगों से सवाल पूछता हूँ फिर कंफ्यूजन दूर करूंगा। दो सवाल है, एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को एक आदमी ने पकड़ के 10 न्यूटन फोर्स इधर से लगाया गया स्प्रिंग, और ये अपना खिंचा हुआ, एक तरफ से वॉल से बंधा हुआ है, और एक केस में हमने क्या किया, 10 न्यूटन इधर से लगा दिया, 10 न्यूटन इधर से लगा दिया, सेम स्प्रिंग है। आपको यह बताना है रीडिंग, इसमें रीडिंग कितनी होगी, इसमें कितनी होगी, इसमें तो ऑफकोर्स 10 न्यूटन होगी, रीडिंग 10 न्यूटन होगी, इसमें 10 होगी, 20 होगी या 0 होगी, देख रहे हो एकांश को, ये लोग 20 बोल रहे हैं, काल समझाओ इनको, मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है इसकी बात सुन के, जो मेरा डर था वो धीरे धीरे निकल रहा है, मेरा डर था ये कैसे बैठेगा बीच क्लास में, लेकिन चैंपियन है भाई, पता है इसको बातें, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है बेटा कि ऐसा देखो, कुछ बच्चे सोचते हैं सर 10 इधर लगाया, नेट फोर्स 0 हो, तो रीडिंग 0 हो गई, तो उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो नेट फोर्स ऑन द स्प्रिंग थोड़े ना होता है, स्प्रिंग की बॉडी में डेवलप होने वाला फोर्स होता है। आप एक बात समझिए जरा, जब आप ये 10 न्यूटन फोर्स स्प्रिंग पे लगा रहे होंगे, और इस स्प्रिंग का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं ऐसे, तो आप खुद सोचिए ये स्प्रिंग इधर ना चला जाए तो ये वॉल ने इधर की तरफ 10 न्यूटन लगाया होगा कि नहीं, ये छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, वॉल और स्प्रिंग के बीच में भी तो हद करते हो यार, अगर सोचो ये स्प्रिंग इधर रुका कैसे, इधर क्यों नहीं भाग रहा है, मैं यहां बनाता हूं, ये स्प्रिंग पे जब मैंने इधर 10 लगाया, ये स्प्रिंग इधर क्यों नहीं जा रहा, किसी ने तो 10 इधर लगाया होगा, किसने लगाया, वॉल ने, और वॉल पे 10 ऐसे लग रहा होगा कि नहीं, मैं अलग थोड़ा सा दूर बना देता हूं, ये ऐसे लग रहा होगा,
इसका मतलब है जब एक एंड को फिक्स कर देते हो और एक एंड को पुल करते हो तब भी यही कंडीशन होती, बस ये छुपा होता है यहाँ पे, यानी इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आ रही है? इन दोनों में दोनों एक एंड को फिक्स कर दो, एक पे फोर्स लगाओ या दोनों पे आइडेंटिकल, यहां से कट करके देखो, तुम कट करके देखो, तो अगर कट करके देखोगे ये 10 इधर से लग रहा होगा, ये 10 इधर से लग रहा होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए 10 इस पे इधर आएगा, इस पे इधर आएगा, तो कहीं पर भी इंटरनल फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन ही तो होगा कि नहीं होगा। और जो पूरी बॉडी में इंटरनल फोर्स डेवलप होता है वही तो केएक्स है, वही तो रीडिंग है। नहीं समझ रहे हो? अरे समझो बेटा, तो दोनों में गड़बड़। आप देखो सवाल दिखा, तो ये तो कॉन्सेप्ट वाली बात है, यहां पर भी रीडिंग 10 न्यूटन होगी और यहां पर भी रीडिंग 10 न्यूटन। अब प्रस्तुत है एक एग्जांपल, देखो गड़बड़ कहां होता है। जैसे गड़बड़ यहां होता है, आपसे कहेगा एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, यहां पुली से होते हुए इस स्ट्रिंग से हमने बॉडी ऐसे कनेक्ट कर दी। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, सब मासलेस है, मासलेस में पूरे में टेंशन यूनिफॉर्म होता है। ये मान लो टेंशन टी है, ये टेंशन इसको ऐसे पुल कर रहा होगा, तो ये टेंशन ही इसका केएक्स हो जाएगा कि नहीं? यानी इस ब्रांच में जो टेंशन होगा क्या वही केएक्स के बराबर होगा? वेरी गुड। तो यहां पर मान लो ये एम केजी की मास है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है, मेरे को रीडिंग बतानी है, रीडिंग। दूसरी फोटो समझो, एक पुली इधर लगाई, स्ट्रिंग से मास लटका दी, स्ट्रिंग से स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, ये भी एम केजी का मास है, ये भी एम केजी का मास है, ये स्प्रिंग बैलेंस लगी हुई है। के दोनों केसेस में हमें ये बताना है इस केस में रीडिंग क्या होगी, इस केस में रीडिंग क्या होगी। तो देखो इस केस में टेंशन किसके इक्वल होगा? एमजी के इक्वल होगा, और टेंशन ही किसके इक्वल होगा? तो एमजी और केएक्स इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? तो रीडिंग रेस्ट पे ही है, मोशन नहीं कर रही, रेस्ट पे है, तो रीडिंग क्या हो जाएगी? केएक्स के इक्वल होगा। यहां बताओ ये यार मास अगर इनको रेस्ट से रिलीज किया जाए तो क्या कोई मोशन होगा? यहां फोर्स कितना लग रहा है? यहां फोर्स कितना लग रहा है? दोनों इक्वल हैं, तो ना ये नीचे जाएगा ना ये ऊपर आएगा, क्योंकि अगर मासेस कम ज्यादा होते तो एक डाउनवर्ड चला जाता हैवी वाला, छोटा वाला अपवर्ड चला जाता। बताओ भैया, तो स्प्रिंग में फोर्स कितना आएगा? देखो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो टेंशन है पूरा मासलेस है, यही टेंशन इसमें होगा, यही टेंशन होगा यहां पर, होगा कि नहीं होगा? तो आप देखो दोनों तरफ से ऐसे टेंशन पुल कर रहा है कि नहीं? तो दोनों तरफ से मास लटके होने, यहां पर भी तो केएक्स किसके इक्वल होगा? टेंशन के, और टेंशन किसके इक्वल होगा? एमजी। चाहे किसी एक बॉडी को देख लो, यहां भी टी इक्वल टू एमजी है, रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन जीरो है, यहां भी टी इक्वल टू एमजी, मतलब यहां दोनों साइड से बॉडी लटकी है। इसका मतलब कुछ बच्चे कह रहे सर कुछ तो ये खींच देगा, कुछ ये खींच देगा, डबल खींच जाएगा, जैसे कि 20 बताया किसी ने, मतलब 2mg, kx की वैल्यू 2mg के बराबर कर देते हैं कुछ लोग, वो वाली गलती नहीं कर रही। आप समझ गए होंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था उससे रिलेटेड एग्जांपल है, तो गलती कहां हो सकती थी वो आपने समझ लिया। बात समझ में आ गई बेटा? लिख लो फटाफट कहानी को, फिर आगे बढ़ाया जाए।
चलिए अब देखो एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मैं देता हूँ, थोड़ा पुलिस से रिलेटेड है। ये जैसे मैं m किलोग्राम का मास ले लूं और ये 2m किलोग्राम का मास ले लूं, यहां पर एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दूं। स्प्रिंग स्टेडी स्टेट में है, मतलब ऑसिलेशंस नहीं हो रहे, कम ज्यादा नहीं हो रहे, ठीक है ना। एक फिक्स्ड इलॉन्गेशन है और वो स्टेडी इलॉन्गेशन और मोशन हो रहा है जैसे होना था। तो आपको यहां पर दो तीन चीजें बतानी है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, टेंशन, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग, एलोंगेशन और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट के है, आप अपने आंसर के एम और जी के टर्म में लिख सकते हैं। करना चाहोगे? Yes. करो। अभी हम एकांश इन लोगों की क्विज लेंगे, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री क्लास होगी 6 बजे से, बीच में आधा पौन घंटे का टाइम होता है, उसमें हम तुमको हर क्लास के बाद अलग से पढ़ाएंगे। अभी बिठा 3-4 दिन में कवर करा देंगे, 2 दिन में तुम वीडियो देख लो, 5 ही घंटे तो देखना, 1 मूवी समझो रोज देख रहे हो आज और कल में। पापा बता रहे थे उसके। नहीं, कह रहे थे कि बच्चा हमारा मेहनत नहीं कर रहा है, उसको आप खूब डांटिएगा। अरे हम समझ गए थे, उनकी बात हम नहीं मानते, हमें पता है, हमारे पापा को भी लगता था कि हम पढ़ते नहीं है, पापाओं की बात हम ज्यादा नहीं मानते, तुम परेशान ना होना। अच्छा, तब तो यार उन्हें लगेगा ये तो अब नॉर्मल हरकतें हो रही है, लेकिन सही है, किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है। हम भी अपने टाइम पे 3-3 बजे रात तक, हम तो मौसी जी के यहाँ रह के पढ़ाई करते थे, लेकिन हम ये थे, हम ड्रॉप आउट थे, तो मतलब स्कूल नहीं जाना होता था, ड्रॉप लिया था, तो रात में 3-4 बजे तक पढ़ते थे, सुबह फिर सोते थे 9-10 बजे तक, दिन में फिर कोचिंग चले जाते थे पढ़ने। कोई बात नहीं, तो हम लोग कवर कर लेंगे, परेशान नहीं होना, सब चीजें कवर हो जाएंगी। बताओ भाई, देखो सबसे पहले बेटा ये स्प्रिंग, ये टेंशन ऐसे लगेगा, यहाँ पे टेंशन ऐसे लगेगा, अगर मैं स्प्रिंग को निकाल के दिखाऊं ना, तो स्प्रिंग पे देखो इधर से स्ट्रिंग ऐसे पुल कर रही होगी, इधर से स्ट्रिंग ऐसे पुल कर रही होगी, तो इस स्प्रिंग में जो टी होगा वही के एक्स के इक्वल होगा बेटा, है ना। तो ये टेंशन ही के एक्स के इक्वल होगा, यहाँ पर टेंशन कितना हो जाता है 2T। तो अब हम लोग डायरेक्ट मेथड भी पढ़ चुके हैं, यहाँ से इसका वेट लग रहा होगा, यहाँ से इसका वेट लग रहा होगा, तो ये वाली बॉडी डाउनवर्ड जा रही होगी क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है, ये अपवर्ड जा रही होगी क्योंकि फोर्स कम है। तो डायरेक्ट मेथड बताया था, याद है आपको? Yes. क्या पढ़ाया था? नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास।
तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ रहा है, पुलिंग फोर्स में ये दोनों वेट कंसीडर करते थे, ये टेंशन नहीं कंसीडर करते थे, 2mg - mg / 3, तो g/3 एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर किसी एक ब्लॉक के लिए न्यूटन, ये बॉडी ऊपर जा रही है तो ये पॉजिटिव लिखेंगे, ये नेगेटिव लिखेंगे, t - mg, ये फोर्स हो जाएगा is equal to ma, तो t की वैल्यू आ रही है mg + a, तो m g की वैल्यू, a की वैल्यू g/3 रख देते हैं, तो टेंशन आ गया 4mg/3। देखिए एक्सेलरेशन आ गया, टेंशन आ गया, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग, रीडिंग क्या टेंशन के ही बराबर होगी, तो रीडिंग जो होगी k × x वो 4mg/3 हो, तो रीडिंग का आंसर आ गया बेटा, रीडिंग हो गई यार। इलोंगेशन यानी x बताना है, तो यहां से x आ जाएगा 4mg/x आ गया, वेरी गुड, तो इलोंगेशन आ गया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2, तो k/2 बाहर रख लो, x की वैल्यू पुट कर दो 4mg/3k का होल स्क्वायर, तो ये 8m²g²/9k, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। देख रहे हो बेटा, ऐसे हो जाएगा। चलिए एक आइडेंटिकल क्वेश्चन देते हैं, लेकिन थोड़ा सा कहानी में चेंज करेंगे। अब की बार हमने क्या किया बेटा, हमने एक यहां पर मेन आर्म में भी एक स्प्रिंग लगा दिया और एक स्प्रिंग यहां लगा दिया, ये एम मास है और ये 3m मास है, है ना, ये एम है और ये 3m है, ये है k1 और ये है k2, हमें दोनों स्प्रिंग की रीडिंग चाहिए बस। रीडिंग ऑफ बोथ स्प्रिंग्स, दोनों स्प्रिंग की रीडिंग बताना। तो देखो बेटा इसमें टेंशन अगर टी मानेंगे, ये एक स्प्रिंग में टेंशन सेम यहां पे होगा, ये पूरा मासलेस, और इसमें टेंशन कितना होगा 2t होगा, तो इस वाले जो t होगा वो इसकी रीडिंग हो जाएगी और जो 2t होगा वो इसकी रीडिंग हो जाएगी, भाई स्प्रिंग में डेवलप टेंशन ही उसकी रीडिंग है। पहले एक्सेलरेशन निकाल लो ऐसे नेट पुलिंग फोर्स वाले से, फिर टेंशन निकाल लो।
सभी की रीडिंग बतानी है, सभी का डिफॉर्मेशन कितना है वो बताना है, और सभी में पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग बतानी है। तो ये मैं करके दिखाता हूं आपको। तो यहां पर पहले एक्सेलेरेशन निकालेंगे, ये नीचे की तरफ भागेगा, ये ऊपर आएगा ब्लॉक। तो 3mg बड़े वाले का वेट है, छोटे वाले का mg है, डिवाइड बाय टोटल मास। सबसे पहले एक्सेलेरेशन आ जाएगा, बड़ा सिंपल फॉर्मूला बता रखा था मैंने। फिर टेंशन निकलेगा, टी माइनस एमजी इज इक्वल टू एम ए, टी आ जाएगा 3mg/4, 3mg/2। तो पहले वाले की रीडिंग होगी जो K1X1 होगी, इसका रीडिंग मतलब मान लेते हैं इसमें डिफॉर्मेशन X1 है, तो K1X1 T के बराबर होगा, और जो दूसरे वाले की रीडिंग होगी वो 2T के इक्वल होगा। तो ये 3mg/2 रीडिंग आएगी और ये 3mg रीडिंग आएगी। ये पिछले क्वेश्चन के आंसर है 3mg/2 and 3mg। ये सब स्टेशनरी है ना, होल सिस्टम इज एट रेस्ट, होल सिस्टम इज एट रेस्ट। इसमें इसकी रीडिंग होगी mg, इसकी रीडिंग होगी 3mg, इसकी रीडिंग होगी 6mg। K1 नहीं, K1X1 रीडिंग पूरा K into X होता है ना, फोर्स। जैसे मान लो यहां पर K3 है, इसका डिफॉर्मेशन X3 मान लो, इसका डिफॉर्मेशन X2 है, इसका डिफॉर्मेशन X1 मान लो, तो K into X फोर्स होता है, उसी को रीडिंग कहते हैं। सॉल्व करना है, रीडिंग बतानी है तीनों की, तो लिखनी तो पड़ेगी। रीडिंग को लिखोगे कैसे, K1X1 या सिंपल लिख दो, रीडिंग ऑफ अपर मोस्ट स्प्रिंग इज दिस मच। लैंग्वेज में लिखो, सिंबल में लिखोगे तो K=mg थोड़े ना लिख सकते, KX लिखना पड़ेगा। और तीनों में डिफॉर्मेशन भी बताना है, मतलब X1 X2 X3 की वैल्यू भी बतानी है। दिखा रहे, देखो ये बात नहीं, मान लेते हैं यहां पर इस स्प्रिंग में टेंशन T1 है, तो जो टेंशन इसमें होगा वही टेंशन K1X1 के इक्वल होगा। इसमें टेंशन T2 मान लेते हैं इस धागे में या इस पूरी ब्रांच में, तो T2 क्या होगा K2X2, और इसमें T3 होगा, T3 क्या होगा। अब अगर मैं इस ब्लॉक को केवल सिस्टम मानूं, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो इसका वेट लग रहा होगा और ये स्प्रिंग इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा या T3 लग रहा होगा, तो T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी mg, और इस ब्रांच में जो टेंशन होगा वही K3X3 के बराबर होगा। तो ये हमारा आ गया, रीडिंग होती है K3X3, रीडिंग की वैल्यू क्या आ गई mg। अब यहां अगर 3m होता तो ये 3mg होता, 2m होता तो 2mg होता। इस वाले स्प्रिंग की रीडिंग वही होगी जो इसके नीचे लटका हुआ वेट। ठीक है, अब सुनो, यहां से मुझे डिफॉर्मेशन भी चाहिए, तो मैं लगे हाथों X3 निकाल लेता हूं, तो X3 की वैल्यू क्या आएगी mg/K3। ये डिफॉर्मेशन हो गया, mg को K3 से डिवाइड कर दिया, ये अननोन था X3, तो X3 की वैल्यू आ गई। मुझे पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए, तो मैं U3 निकाल लेता हूं, क्या होगा K3/2 X3 square, K/2 X2 होता है ना, ½ K2, तो K3/2 और X3 है mg/K3 square। इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस स्प्रिंग का सब कुछ सॉल्व हो गया,
अब आइए इस स्प्रिंग पे आते हैं, प्यार से देखो ध्यान से। इस स्प्रिंग का टेंशन जैसे सोचो धागे में जैसे करते थे स्प्रिंग में, इसमें अगर टेंशन निकालना है तो इन दो को सिस्टम मानो, नहीं तो ये इंटरनल हो जाएगा फिर। और अगर यहां से भी ब्रेक कर दोगे केवल इसको लोगे तो एक फोर्स इस स्प्रिंग का भी दिखाना पड़ेगा। तो अगर मैं इन दोनों को मिला के सिस्टम मान लो 2m और इसको, ये 2m हो गया, ये m हो गया, इस पूरे को अगर मैं सिस्टम मान लू तो ये वाला जो फोर्स होगा ये t2 लग रहा होगा, जो कि किसके बराबर होगा k2x2। और ये स्प्रिंग का फोर्स इंटरनल है, टोटल वेट हो जाएगा 3mg। तो k2x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3mg हो जाएगी। तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3mg डिवाइड बाई k2। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, 1/2 k2 और x स्क्वायर, x क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद। अब आ जाओ, अगर मुझे इस वाली ब्रांच में टेंशन बताना है तो मैं पूरा सिस्टम ले लूंगा। तो इस वाले में क्योंकि इससे पूरा सिस्टम ही लटका हुआ है, अरे इस वाले से तो पूरा ही सिस्टम लटका हुआ है। तो t1 की वैल्यू क्या आएगी, 6mg। तो t1 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 6mg। और ये t1 क्या होगा, k1x1। तो पहले वाले ऊपर वाले स्प्रिंग की रीडिंग 6mg होगा, रीडिंग मतलब फोर्स की वैल्यू। और x1 कितना आएगा, 6mg डिवाइड बाई k1। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, 1/2 k1। अब ये सब m g k1 k2 की वैल्यू दे देगा तो न्यूमेरिक वैल्यू में आंसर आ जाए। बताओ भैया, छोटे मतलब छोटे, अरे तब तो उधर रहते थे, थोड़ा दूर है यहाँ। क्या हमें लगा वही 11, 12, 13 की बात कर रहे जो हम तैयारी वारी करते थे। तक तो हम IIT का नाम भी नहीं जानते। हमारे एक फ्रेंड के अंकल थे, वो IIT रुड़की से बीटेक किया था उन्होंने, उनकी भी बड़ी अजीब स्टोरी थी। वो तब यूपी बोर्ड से थे, वो हाई स्कूल 3rd डिवीजन और 12th में 2nd डिवीजन थे, 45% को 2nd डिवीजन बोलते थे और 60% को 1st डिवीजन बोलते थे, अभी भी वही बोलते हैं यूपी बोर्ड में। 33% पास आउट होता था, मतलब 33% से कम है तो वो फेल माने जाते थे। 33% से 45% के बीच में 3rd डिवीजन, 45 से 60 के बीच में 2nd डिवीजन, 60 से 75 1st डिवीजन, 75% से अगर ऊपर होता था तो पास विद ऑनर, विद ऑनर बोला जाता था। और पूरे स्कूल में एक आदमी होता था विद ऑनर, मतलब 77 पे मेरिट आती थी, मतलब पूरे ऑल ओवर यूपी में 79 टॉपर होता था, अब 99 होता है सीबीएसई और उसमें तो अभी भी 99 होता था, यूपी बोर्ड की बात बता रहा हूँ। अरे 22% लोग पास होते थे, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, 17%, 22%, 25%। हमारे टाइम पे 10th में पास हुए थे 27% या 23% और 12th में 27% रिजल्ट था। मेरे पूरे क्लास में, पूरी क्लास में नहीं, पूरे स्कूल में 9 सेक्शन थे, 10th में 9 सेक्शन थे और टोटल सब मिला के 700 बच्चे होंगे, 6 बच्चे 1st डिवीजन पास मिले, 6 out of 900। इतना बड़ा स्कूल था, 4000 बच्चे पढ़ते थे, विद ऑनर कोई नहीं।
72 आईएएस था, 72.1 हमारा मित्र राहुल पटेल था 10th में, उसके आईएएस मार्क्स थे, उसके 425 थे, मेरे 420, 5 नंबर ज्यादा थे मुझसे, क्योंकि उसने हिंदी में 90 मार दिए थे, हिंदी इधर आती नहीं थी, बाकी मैथ साइंस मतलब सेकंड टॉपर में था तो मैथ साइंस वगैरह सब पैसे थे, मैथ साइंस में सबसे ज्यादा मेरे मार्क्स थे। टफ होता था मैथ्स इतनी ज्यादा, जितनी मैथ्स अभी है तुम्हारे सिलेबस में इससे पांच गुना ज्यादा मैथ्स होते हैं। पढ़ाते थे टीचर्स, पढ़ाया करते थे, तो ऐसा नहीं कोचिंग नहीं, 10th 9th तक कोई कोचिंग, एक दिन कोचिंग नहीं की थी स्कूल में, 8-8 पीरियड मार पढ़ाया जाता था, मुर्गा बना दिया जाता था। और कुछ अच्छे स्कूल टीचर भी हुआ करते थे, सरकारी स्कूलों के टीचर पहले सीनियर बहुत अच्छा पढ़ाया करते, बड़े बड़े स्कूल हुआ करते थे पहले, 4-4, 5-5 हज़ार बच्चे पढ़ते थे एक स्कूल। हमारे जैसे मैथ्स वाले सर थे, हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते थे सर ट्यूशन पढ़ा दो हम लोग को, तो बहुत डांटते थे, क्या मैं पढ़ाता नहीं स्कूल में, ट्यूशन के लिए कह रहा है मुझसे, जो पढ़ना है स्कूल में आना, ऐसे थे। तो वो मैं उनकी स्टोरी बता रहा था अंकल की, तो वो अंकल क्या हुआ, वो 12th में 47% या 46% अंक आया, तो तब ये था IIT में फर्स्ट डिवीजन का क्राइटेरिया नहीं था, आप पास हैं तो आप दे सकते हैं, शायद सेकंड डिवीजन का रहा होगा मुझे याद नहीं, अब 75% का नंबर भी तो आप फेल होता है कोई, पहले 100 में 75 फेल होते थे 12th में, फिर 25 पास होते तो 25 में कहीं एक जागे मुश्किल से, पूरे स्कूल में 5 बच्चे फर्स्ट क्लास होते थे। अब जैसे मैं कह रहा था मेरे क्लास में 6 बच्चे फर्स्ट डिवीजन थे उस इंक्लूडिंग मी, तो आप मुझे देख लो मैं ये करो, उसके अलावा दो सिविल सर्विसेज में हैं, मैंने बताया था ना एक ICICI बैंक में बहुत सीनियर मैनेजर है पूरे स्टेट लेवल पे, एक दो और हैं, एक इधर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बहुत सीनियर ऑडिटर है, मतलब वो गुड से जिनके 55-50% नंबर थे ना उसमें भी 7-8 इंजीनियर हैं, कोई कुछ है, मतलब उस वक्त वैल्यू थी उसकी, आप ये ना समझिए अरे 55% वहाँ हम लोग को नूतन अच्छे से आती थी जब हमने 12th किया था, अब तो हम देखते हैं 90% लेके आ रहा है, पहला ही लिखा एक दिन तो कुछ सालों पहले की बात, एक प्रतापगढ़ का लड़का है, मैं ये वाली क्वेश्चन पढ़ा रहा था 11th क्लास की बात बता रहा हूँ, 12th का नहीं था, तो बहुत देर बाद बोला सर एक मन में क्वेश्चन आ रहा है, मैं तो बोला जी क्या है प्रतापगढ़ का था, और सुनो चेन मोटी लटका गया था प्रतापगढ़ का था, तो मैंने गुस्से में कहा, मैंने कहा यार मजाक कर रहा है मेरे साथ, पहली क्लास थी, मैंने कहा पर इतना तो पता ही होता है 10th तक बच्चे को जी क्या है, तो हमने कहा बेटा ऐसी बात करो जी ग्रेविटी वही न्यूटन ने जो बताई थी बेटा, मैंने न्यूटन तो सुना है ना, बोला ना, मैंने कहा तुम धरती पे क्यों हो फिर साइंस के, तो हमने गुस्से में कहा क्या परसेंटेज है, बोला सर 96%। फिर अगला मेरा सवाल, नकल करके पास हुए क्या नालायक कहीं के, तो कहता यस सर हम तो पेपर ही देने नहीं गए थे। अब समझ लो ये देश का भविष्य है, ऐसे लोग भी आ जाते हैं, तो हमने कहा तुम फिर क्यों तैयारी करना है बेटा, बोला हमारे पिताजी ने पूरी व्यवस्था कर दी थी, अपना ही स्कूल था पास, और मजे तो कुर्ते वैसे पहनते जैसे मोदी जी कुर्ता पहनते ना, वो कॉलर वाला कुर्ता और चेन मोटी और उस तरह की, मतलब वो कोई रजवाड़े का अभी भी प्रतापगढ़ में उस तरह का कल्चर है वहां से, तो मतलब उस तरह से पहनते, तो 1-1.5 महीने रुका होगा, हमने से धीरे से कहा, बोला सर मुझे लगता मैं कर नहीं पाऊंगा एक दिन, बोला उन्हें बेटा तुम्हें इतना लगने में समय कैसे लग गया, काका देव की बात है, हमने कहा समय कैसे लग गया तुम्हें इतना, 1-1.5 महीने बाद अपना रहता था और अपना 1-1.5 महीने बाद चला गया, पूरा कह रहा सर आएंगे मतलब फिर थोड़ा घूम आते हैं घर, आराम से जाओ बेटा आराम से आना कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि आता था जब घर वर से तो मिठाई उठाई लाता था, खूब खिलाता पिलाता था, मतलब शिष्टाचारी था बहुत, ऐसा नहीं था, लेकिन पढ़ाई वो खुद कह रहे लगे, बोला सर हमने पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं है, लेकिन मन था कि इंजीनियर बने तो इसलिए तैयारी कर रहे हैं, चले आए थे 11th से, तो हमने कहा यार ये बात ठीक है, हमने कहा बेटा तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम 2 साल यहाँ परेशान रहोगे, तुम गलत फील्ड में हो, कुछ और अच्छा करो, इतना बिजनेस है तुम्हारे पिताजी के पास, हमने कहा उसी को संभालो, अभी 12th कर लो अच्छे से, 12th के बाद आना, क्योंकि एक हमारे अंदर कीड़ा रहता है ना कि सही गाइडेंस देने के लिए, अरे इस बच्चे को कुछ नहीं आता था उसने, मतलब जब 11th 9th 10th अच्छे से पढ़ा नहीं, अब कोरोना से बुरी हालत थी समझ लो उसकी, अभी तो कोरोना में जैसे तुम लोगों की हालत है कि जो टीचर इस लेवल पे पढ़ाता था वो टीचर यहाँ आ गया, इसके ऊपर उठ नहीं रहा है, उठ रहा है टांग पकड़ के खींच ले रहे हो तुम लोग, नीचे आओ इतना ऊपर क्यों जा रहे हो,
ठीक है ना, वही कंडीशन थी। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो मैं वो स्टोरी कंप्लीट कर दूं। तो अंकल हमारे जो हमारे फ्रेंड के फादर थे, 47% लाने के बाद, तब रुड़की का एग्जाम अलग होता था, आईटी रुड़की का, तो उन्होंने 2-3 साल प्रिपरेशन किया, उनका बिल्कुल बैड लक ही खराब था वो, तुम कह लो। तो वो बेचारे परेशान होकर चले गए काशी, बोले अब मेरा कुछ नहीं हुआ, अब मैं संन्यास धारण करूंगा। हरिद्वार या बनारस कहीं चले गए, बोले मैं संन्यास धारण करूंगा और मैं बिल्कुल, मैं जीवन से मोह मेरा छूट गया है, क्योंकि 3-4 साल तैयारी कर, तब लिमिट्स नहीं होती थी, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा ले सकते हो, बहुत पहले, मतलब मुझसे भी 10-12 साल 15 साल सीनियर है वो, तो 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। तो वो चले गए, वहाँ पे गए, एक आश्रम में रुके और वहाँ पूजा, तो एक दिन जो वहाँ के हेड थे आज जो भी संत, उन्होंने कहा, उन्होंने देखा होगा हाथ वाथ, बोले बेटा क्या है, कैसे आए हो? तो बोला ये बच्चा बहुत सेवा करता है, बहुत करता, कहाँ से? तो बताया, बोला गुरुदेव हम पढ़ते थे हाई स्कूल, इंटर किया, हाई स्कूल में 3rd डिवीज़न थे, इंटर में किसी तरह 2nd डिवीज़न आए, इंजीनियर बनना चाहते थे, पिताजी नहीं थे मेरे, 6 भाइयों में सबसे छोटे थे, बोले 5 बड़े भाई थे, हम बहुत गरीब परिवार से आते, 5 भाइयों ने पेट काट काट के हमको पढ़ाया, 3 साल कानपुर में रखा, तैयारी करवाई, ये कराए वो कराए, और सारा पैसा बर्बाद किया, गुरुदेव कुछ नहीं हुआ, मैं घर वापस नहीं जाना चाहता हूँ, मैं एग्जाम दे के आया हूँ और मैं अब घर वापस नहीं जाना चाहता, अब मेरा, तो बोले एग्जाम दे के आया, रिजल्ट से पहले ही भाग गया, तीसरी बार भी एग्जाम खराब हुआ, बोले खराब हुआ जब पिछली बार इतने नंबर में नहीं हुआ, इस बार इससे कम नंबर आ रहे, कैसे होगा? तो बोले अब मैं, रिजल्ट आएगा मुझे पता है गुरुदेव, फिर नहीं होगा, अब मुझे आप यहीं रख लो, मैं घर नहीं जाओगे, अपने बड़े भाइयों को किस मुंह से मैं बड़े भाइयों के पास जाऊं, बहुत बड़े, एक डिफरेंस काफी था, माता पिता थे नहीं, बड़े भाई मिलके, 5 भाई मतलब ही समझ लो, मिलके एक को पढ़ा रहे थे, वो चाहते थे हम 5 भाइयों में कम से 6 भाइयों में एक तो इंजीनियर बन जाए कम से कम, इतने मतलब दारोमदार था। तो उन्होंने कहा बेटा अभी तुम्हारा संन्यास लेने का वक्त नहीं है, तुम्हारा वक्त अच्छा शुरू होने वाला, ऐसा करो तुम आ जाओ। बोले नहीं गुरुदेव, चाहे जान निकल जाए अब तो यहीं रहेंगे। फिर इधर रिजल्ट आ गया थोड़े दिनों बाद, आईटी में सिलेक्शन रुड़की में हो गया, आईटी रुड़की में सिलेक्शन हो गया। अब इनके भाई साहब ढूंढते घूमे, मनोज कहाँ है, मनोज एक दोस्त को पता था कि उसने बताया था कि हम वहां हैं, अगर हमारे भाई बहुत परेशान हो तो बता देना, एकदम सुरक्षित है, लेकिन ये ना बताना कि वहां हैं, बस ये बता देना बहुत सुरक्षित है। उससे पूछा गया, उसने बताया एकदम सुरक्षित है, आप चिंता ना करो। लेकिन जब उसको बताया कि रिजल्ट आ गया, तो वो भी खुशी के मारे, उसका भी ठिकाना नहीं, उसने बता दिया वो हरिद्वार में फला आश्रम में है, सारे भाई लेके वहां पे ले, बोले तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, चलो इंजीनियरिंग करो चल के। तब उन्होंने आईटी रुड़की से बीटेक किया, रिलायंस थर्मल कॉर्पोरेशन में, गुड़गांव में बहुत सीनियर पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरी हो। उनका सगा भतीजा हमारे साथ क्लासमेट था, उन्होंने हमें पहली बार आईआईटी के बारे में बताया क्लास 12th में, कि आईआईटी नाम की कोई चीज होती है, कोई चिड़िया होती है बेटा, तुम अच्छे हो पढ़ने में, तुम्हें आईआईटी करना चाहिए। तब हमने सोचा ये क्या है, ऐसा भी कुछ होता है, तो है ना, ये कुछ थोड़ा सा होता तो, उन्हें ये लगा कि अब नहीं होगा हमारा, जब उन्हें लगा अरे नहीं सपना देखा था पूरा हो गया, तो वो भी संन्यास सब भूल गए, बोले अब तो इंजीनियर बनेंगे। तो ऐसी ऐसी स्टोरी है कितनी सर आई। ये फिर मूवी वाली स्टोरी हो जाएगी, फिर ये रियल लाइफ की तरह नहीं होगी, मूवी की मतलब अब उसका मन लग चुका है अध्यात्म की तरफ है। चलिए बैक टू द डिस्कशन, कहाँ थे हम लोग, माइंड स्विच हो जाता है इधर से उधर। अच्छा ये था सवाल, एक सवाल हम समझते हैं बेटा, एक बात समझो जरा, एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग, उससे एक बॉडी हमने लटका रखी है और स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये स्प्रिंग अभी कुछ खिंचा हुआ होगा और केएक्स की वैल्यू एमजी के इक्वल हो, केएक्स इक्वल टू एमजी इस तरह से खिंचा हुआ। अगर मैं इस स्प्रिंग को यहां से कट कर दूं, ये हट जाएगा, इससे कट करते इसमें कोई मास तो है नहीं, चूंकि मैंने मासलेस माना है, तो ये ना के बराबर टाइम में, निग्लिजिबल टाइम में फटाक से ऐसे नेचुरल लेंथ पे चला जाएगा और इसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी हीट वीट के फॉर्म में। मतलब अगर स्प्रिंग का एक एंड कट दो, स्प्रिंग फ्री हो जाए
तो कट करने के तुरंत बाद इसका टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन आप एक बात सोचो जरा, ये सिचुएशन अगर हो ऐसी सिचुएशन हो कि ये धागा है, ये धागा है, स्ट्रिंग है दोनों के बीच में, इसको कट करूं अगर मैं इस, अभी ये स्प्रिंग कुछ खिंचा हुआ होगा, मान लो ये 2m मास है, ये m मास है, तो जो kx की वैल्यू होगी वो 3mg के इक्वल होगी, होगी कि नहीं? ये पूरा वेट लटका हुआ है इस धागे को जो इस, अच्छा स्ट्रिंग में एक बात खास है, स्ट्रिंग को काटते उसका टेंशन हमेशा क्या हो जाता है? स्ट्रिंग जब स्लैक हो जाएगी काट, तो जब तक टाइट नहीं होगी स्ट्रिंग तब तक टेंशन नहीं होगा, जब तक पुल नहीं करके रखोगे आप तो इसका टेंशन तो जीरो हो जाएगा। अब सुनो, जैसे इसको कट करोगे तो इस वाली बॉडी पे स्प्रिंग ज्यादा फोर्स लगा रही होगी और इसका वेट कितना बचेगा? 2mg, तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ भागेगा। लेकिन चूंकि इस ब्लॉक में इनर्शिया है, मास है, तो ये ऊपर जाने में और स्प्रिंग को अपने नेचुरल लेंथ तक पहुंचने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा, सडन नहीं होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब इस केस में क्या होगा, जब आपने ये स्प्रिंग से डिटैच कर दिया बॉडी को, तो ये स्प्रिंग क्या होगा? सडन ऊपर चला जाएगा, सडनली इसका टेंशन कितना हो जाएगा? लेकिन अगर मैं इसको कट करूंगा तो जब ये ब्लॉक कनेक्टेड है तो ये सडन ऊपर जा नहीं पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब भी स्प्रिंग की दोनों मासेस में, दोनों एंड के, दोनों एंड में मासेस कनेक्टेड हो, या एक एंड फिक्स्ड हो और एक एंड में मास कनेक्टेड हो, तो ऐसे में स्प्रिंग का जो फोर्स होता है उसमें सडन चेंज नहीं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं, प्लीज ध्यान दें कि इस वाले स्प्रिंग को काटने के तुरंत बाद इसमें टेंशन कितना होगा, तो जितना कट करने से पहले होगा उतना ही कट करने के तुरंत बाद होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैं पूछूं कि यहां पर kx कितना था? mg था, kx mg था, और जैसे मैं यहां कट करूंगा, कट करने के तुरंत बाद टेंशन कितना होगा? क्योंकि इस फटाक से ऊपर चला जाएगा, पर यहां पर ही नीचे कट मारने के बाद पहले kx 3mg के बराबर होगा, लेकिन अगर जैसे मैं यहां पर कट मारूंगा, ये जब ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, लेकिन मैं कट करने के एक नैनो सेकंड बाद अगर पूछूंगा कि क्या होगा, तो इस स्प्रिंग में कोई खास फर्क नहीं। यानी ऐसी सिचुएशन में कट करने के जस्ट बिफोर, देखो जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर जो टेंशन था वो kx 3mg था, और जस्ट आफ्टर भी वही रहेगा जो जस्ट बिफोर था। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि उस हम इतना कम, जस्ट आफ्टर का मतलब हम इतना कम टाइम दे रहे हैं जो कि नेग्लिजिबल टाइम, हम ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं, और इस स्प्रिंग को ऊपर जाने में समय लगेगा। ऐसी परिस्थिति में कट करने के तत्काल बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्प्रिंग का फोर्स कितना है, या उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई करना हो, तो आप ये मान के चलना कि ऐसी सिचुएशन में कट करने के तुरंत बाद स्प्रिंग के टेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा, थोड़ी देर बाद होगा, लेकिन जस्ट आफ्टर कट कोई चेंज नहीं। अब देखो सवाल कैसे बनता है। एक बार जेई वालों ने ये क्वेश्चन पूछा, 2006 आईटी एडवांस में क्वेश्चन आया, बहुत ही सरल था, एकदम कूड़ा सवाल था, वाहियात सवाल था, आइए देखिए। लेकिन फिर भी लोग डर गए देख के, पता नहीं कैसे डर गए। ये 2m मास था और इधर एक m मास लटका के रखा हूं, ये स्प्रिंग है। उन्होंने ये नहीं बताया कि स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है, फोर्स कितना है, क्या कितना है, समझ लो ध्यान से। उन्होंने कहा इस स्ट्रिंग को हमने कट कर दिया, ऐसे लाइक खचा, इस स्ट्रिंग को हमने कट कर दिया, और पहले ये इक्विलिब्रियम में था सब कुछ, तो हमसे कहा गया ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर कट, जस्ट आफ्टर कट, कट करने के तुरंत बाद बताओ कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो कट करने के पहले की कहानी देख लेते हैं, तो बिफोर कट, बिफोर कट क्या कहानी थी? ये जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा था kx, ये किसके इक्वल रहा होगा? kx की वैल्यू 3mg, और इसमें जो टेंशन रहा होगा t1, ये किसके इक्वल रहा होगा? mg। इस वाले ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहे होंगे, अगर नीचे वाले ब्लॉक पे देखें, एक लग रहा होगा mg, एक लग रहा होगा t1, लग रहा होगा, और ये फोर्सेस बैलेंस रहे होंगे। हालांकि सबकी जरूरत नहीं है, हम कट करने के बाद देखते हैं। का जैसे यहां कट करोगे, जैसे ही कट करोगे, T1 की वैल्यू कैसे हो जाएगी? जस्ट आफ्टर कट। सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट, रस्सी को काटोगे, काटते ही टेंशन कितना हो जाएगा? और इस स्प्रिंग को तो तुमने कट किया नहीं है, स्प्रिंग के एक एंड से अभी भी बॉडी कनेक्टेड है, तो इसको ऊपर जाने में समय लगेगा,
तो तुरंत बाद अगर हमसे पूछा जाए कि kx की वैल्यू क्या होगी, तो वही होगी जो पहले होगी। अब आइए इन दोनों बॉडी पर देख लेते हैं एक्सेलेरेशन कितना होगा। ये वाली बॉडी को बच्चों देखेंगे तो इसको वेट नीचे पुल कर रहा होगा, परंतु जो ऊपर की तरफ टेंशन था ये खत्म हो गया, तो केवल कौन सा फोर्स बचा? तो इसका एक्सेलेरेशन जो आएगा बी बॉडी का, फोर्स को जब मैं मास से डिवाइड करूंगा न्यूटन का सेकंड लॉ, तो ये फ्री फॉल कर जाएगा, जी के एक्सेलेरेशन से गिर जाएगा। गिर जाएगा कि नहीं? तो बी का एक्सेलेरेशन जी होगा। लेकिन ऊपर वाली बॉडी को अगर हम देखें, 2m वाली बॉडी को, तो 2m वाली बॉडी को एक वेट लगेगा डाउनवर्ड, और ये जो स्ट्रिंग कनेक्टेड थी अब ये तो कोई फोर्स लगाएगी नहीं, ठीक, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? kx, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी? तो ये जो एक्सेलेरेशन होगा, देखिए ऊपर की तरफ 3mg, नीचे की तरफ 2mg, घटा दो तो 3mg माइनस ये फोर्स होगा डिवाइड बाय 2m, कितना एक्सेलेरेशन आएगा? g बाय 2, यानी एक ऑप्शन g बाय 2, एक ऑप्शन g, ऐसे ऑप्शन थे g कॉमा g, g बाय 2 कॉमा g बाय 2, g कॉमा g बाय 2, g बाय 2 कॉमा g, इस तरह से ऑप्शन थे। तो एक a का एक्सेलेरेशन g बाय 2 अपवर्ड होगा, b का एक्सेलेरेशन g डाउनवर्ड होगा। तो इसमें लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि बिकॉज तुमने यहां कट मारा है और स्प्रिंग के एक एंड से बॉडी कनेक्टेड है, तो कट करने के पहले जितना स्प्रिंग में फोर्स होगा, कट करने के तुरंत बाद पूछा है, लैंग्वेज समझो, जस्ट आफ्टर, आफ्टर पे फोकस ना करो, जस्ट पे ध्यान दो, ठीक है ना? जस्ट आफ्टर का मतलब होता है इधर काटा उधर देखा, एकदम सहमत, काटते ही हम एक्सेलरेट, हम आधा मिनट की बात बात की नहीं करें, आधा मिनट बाद तो चेंज हो जाएगा स्टोरी, अरे समझ रहे हो ना? काटते ही थोड़ा सा गैप दिया, ये ऊपर गई नहीं कि फोर्स चेंज हो जाएगा, हम तो टाइम ही नहीं दे रहे, ना के बराबर टाइम दे रहे, समझ रहे ना? लिख लो बेटा, शाबाश, चलो। ये एसएचएम में पढ़ाएंगे, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक है, कितना टाइम लगेगा? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से आंसर आएगा। अरे बहुत कॉन्सेप्ट, मजा ही मजा है। तो लेक्चर ले लो हमसे, लेकिन वो रिपीटर के लेक्चर हैं, बहुत फास्ट और बहुत डेप्थ में पढ़ाया उसमें हमने, लेकिन फिर भी काम आ जाएगा, ऐसा नहीं, डरने वाली बात नहीं, समझ जाओगे। उसमें हम तुम्हें बता देंगे क्या क्या, देख लो उसमें स्प्रिंग मास देख लेना, थोड़े फॉर्मूले लेक्चर वन देख लेना, लेक्चर टू देख लेना, धिक्कार है तुम्हारे सर के जीवन पे, मैं टीचर होने के बाद टीचर की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, 15-20 मिनट में एसएचएम पढ़ा दी, राम राम राम। सब मिला के एक घंटा मान लें, सवा घंटा एसएचएम के लिए चाहिए कम से कम 15 घंटे, कम से कम। अगर आप एडवांस स्कूल का पढ़ाना चाहते हो तो 8 घंटे कम से कम, और स्कूल प्लस जेई मेन प्लस नीट पढ़ाना चाहते हो 12 घंटे, और एडवांस तक का पढ़ाना चाहते हो तो 15 घंटे चाहिए, विद सफिशियंट एग्जांपल्स। अब आप सोचो तुम्हारे सर ने 1.25 घंटे में पढ़ा के 15 घंटे की थी। अब तुम न्यूटन लॉ से देख लो, अभी न्यूटन लॉ खत्म नहीं हुआ पूरा, फ्रिक्शन कहाँ पढ़ाया, अभी सर्कुलर कहाँ पढ़ाया, जबकि मैं अपने पूरे रोआब में नहीं पढ़ा रहा हूं। क्योंकि अभी इतना सीख लो, धीरे धीरे सिखाएंगे तुम लोग को, सब पढ़ा देंगे। अभी थोड़े दिनों बाद न्यूटन्स लॉ की एक रिवीजन क्लास लगाएंगे 3 घंटे की, उसमें वो क्वेश्चन भी करा देंगे जो अभी पहली बार में नहीं कराए, धीरे धीरे देंगे। पहली डोज दे दी है तुम्हें वैक्सीन की, दूसरी डोज बाद में देंगे, बॉडी ताकि तुम्हारी अब्सॉर्ब करती रहे धीरे धीरे। थोड़ी मैच्योरिटी और आ जाएगी। केमिस्ट्री की टाइमिंग चेंज तो नहीं हो रही? कल होगी,
तीन नहीं साढ़े तीन रखना, तीन नहीं साढ़े तीन पे रखना, तीन बजे आने में दिक्कत होगी, 3:30 रखना केमिस्ट्री, 3 बजे से फिर दिक्कत होगी, स्कूल वाले अभी टाइम बढ़ा देंगे, तो इसलिए पहले से ही 3:30 से 5:30। और सर से भी कह देना 3:30 से 5:30, 5:30 के बाद क्विज होगी, और अगर फिजिक्स नहीं होगी तो केमिस्ट्री नहीं होगी तो फिजिक्स की क्विज होगी उस दिन भी। तुमको क्योंकि क्योंकि मैथ्स की क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट होगी, जो लोग मैथ्स पढ़ेंगे तो उनके लिए क्विज है, बाकी जो कि बायो वाले वो अपना क्विज देके चले जाएंगे। क्विज बहुत फायदा करेगी, लेकिन बहुत प्रैक्टिस करा दूंगा मैं क्विज से तुम्हारी। लिख लिया? तुम कहते सर हम तो जा ही नहीं रहे, हम तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं सर, स्कूल वालों को ना बता ना। नहीं कभी ना बताओ, कह दो सर क्या करें एकदम ऑनलाइन इधर उधर से पढ़ लेते हैं। अब मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ तुम लोग को, आज जितना टाइम हमारे पास है उसमें हम लोग पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, क्या है एक बच्चों कॉन्सेप्ट है, इसे मैं इसमें बड़े बड़े तगड़े सवाल भी बनते हैं और हल्के सवाल बनते हैं, तो हम हल्के वाले करेंगे आज। न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ फॉर मल्टी बॉडी सिस्टम, having different accelerations. इस इक्वेशन की प्रूविंग हम आज से फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर, एनर्जी के बाद आएगा चैप्टर सेंटर ऑफ मास एंड लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन, ये चैप्टर आएगा जिसमें हम सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे, लीनियर मोमेंटम पढ़ाएंगे, कोलिजन पढ़ाएंगे, इम्पल्स पढ़ाएंगे, ये चार चीजें उस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। इम्पल्स आगे का टॉपिक है ना, अभी बता देंगे अगर तुम कहें, नूतन में दे देते हैं, अब कहोगे तो थोड़ा सा इंपल्स बता देंगे। तो मैं क्या कह रहा था, ये जो प्रूविंग है ना, ये प्रूविंग वहीं पे आई, ठीक है। अभी मैं सिर्फ स्टेटमेंट बताऊंगा और स्टेटमेंट अप्लाई कैसे करते हैं वो बताऊं, और बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हो। याद है आप लोगों को जब मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था, तो हमने कहा था किसी भी सिस्टम पे लगने वाले इंटरनल फोर्सेस का सम क्या होता है, तो जो भी नेट फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल फोर्स। तो किसी भी सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उनका रिजल्टेंट जो होता है नेट, वो अब देखो जैसे मान लो मल्टी बॉडी है, अगर m मास का पार्टिकल है या बॉडी है और उसका एक्सेलरेशन a है, तो उस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, m इंटू a वेक्टर लगेगा कि नहीं। तो अगर m1 वाली बॉडी है और a1 उसका एक्सेलरेशन है, तो पहली वाली बॉडी पे इतना नेट फोर्स लगेगा, बताओ भैया। और m2 a2 अगर हम लिख दें, तो ये है नेट फोर्स ऑन द सेकेंड बॉडी और ये है नेट फोर्स ऑन द एंड सो ऑन, ऐसे मल्टीपल टर्म लिख दोगे तुम, तो ये है पहली वाली बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स, ये दूसरी वाली बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स बाय न्यूटन सेकंड लॉ, ये तीसरी पे, चौथी पे। तो राइट साइड में लिखी हुई चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ऑल द बॉडीज, यानी रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सिस्टम, और सिस्टम पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल, क्योंकि इंटरनल तो जीरो हो जाता है। समझ में आ रही है? तो ये इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ है फॉर मल्टी बॉडी सिस्टम। अगर किसी मल्टी एक सिस्टम में मल्टीपल बॉडी मौजूद हो और उनके एक्सेलेशन अलग अलग हो, क्योंकि याद करो मैंने लेक्चर नंबर 3 में आपको सिस्टम बाउंड्री मेथड भी पढ़ाया था, वहां पर सभी बॉडी का एक्सेलेशन क्या होता था, सेम। अब खुद समझ लो, अगर a1 a2 a3 सेम हो, a a a तो a कॉमन आ जाएगा,
तो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसी चीज को सिस्टम बाउंड्री मेथड कह देते थे, अरे याद करो। हाँ, अब इसका एप्लीकेशन देखो कैसे सवाल लगता है। ठीक है, आ जाओ देखो। ऐसे सवाल दे दिया जाएगा तुम्हें, तुमसे कह देगा एक स्प्रिंग नहीं, एक ग्राउंड पे, फ्रिक्शनलेस ग्राउंड पे ऐसे बहुत सारी बॉडी रखी। इस बॉडी का मास 10 किलोग्राम है, इस बॉडी का मास 50 किलोग्राम है, इस बॉडी का मास 20 किलोग्राम है। यहां से 200 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यहां से 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है। इसका एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका एक्सेलेरेशन इधर की तरफ है इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, ये A2 है, ये A1 है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर की तरफ है, और इसका एक्सेलेरेशन A3 हमको बताना है। तुमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुमसे कह रहा है एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम दो स्प्रिंग से 3 बॉडी कनेक्टेड है और हमने दोनों तरफ से फोर्स लगा रखा। अब इनके एक्सेलेरेशन बदल रहे होंगे टाइम के साथ, किसी एक मोमेंट ऑफ टाइम पे। तुमसे कहा जा रहा है कि किसी एक मोमेंट ऑफ टाइम पे ये वाली बॉडी का एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स राइट है, ठीक है, और इस वाली बॉडी का एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट है, ग्राउंड पे बॉडी रखी है, उसी मोमेंट ऑफ टाइम पे A3 क्या हो। अब अगर एक एक बॉडी के लिए अलग अलग बनाओगे ना तो बहुत मुश्किल आएगा, ना तो K दिया गया है ना X दिया गया है, आपको सब कुछ इमेजिन करना पड़ेगा और एज्यूम करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया मेथड है सिस्टम मेथड। देखो, अगर मैं इस पूरे को सिस्टम की नजरों से देखूं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल न्यूटन्स लॉ लगाऊं, वर्टिकल फोर्सेस के बारे में ना सोचूं, वर्टिकल में तो मुझे पता है इसका एमजी लगेगा, फिर नॉर्मल लगेगा, बैलेंस होगा। एक इसका एमजी लगेगा, नॉर्मल लगेगा, बैलेंस होगा। एक इसका एमजी लगेगा, नॉर्मल लगेगा, बैलेंस होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं सिर्फ देखूंगा तो मुझे दो ही फोर्स एक्सटर्नल दिखेंगे, एक ये 200 न्यूटन और एक ये 100 न्यूटन। मैं राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए न्यूटन्स लॉ लिख रहा हूं, तो मैंने लिखा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2 प्लस, तो ये बेटा F एक्सटर्नल हो जाएगा 200 माइनस 100 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। 200 माइनस 100 हो जाएगा एक्सटर्नल, अरे बताओ बेटा। फिर लिख लेते हैं M1A1। देखो ये वाली बॉडी लेफ्ट जा रही है, तो इसको माइनस साइन, वेक्टोरियली नेगेटिव लिख देंगे इसको, तो 10 है माइनस 4, 50 है प्लस 2, और M3 क्या है 20 है, और इसको मैंने A3 मान लिया टूवर्ड्स राइट। अगर मेरा आंसर नेगेटिव आ गया तो ये भी टूवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। ये देखिए बेटा 100 है, ये माइनस 40, ये 100 है, 60 है, इसमें से 60 माइनस हो जाएगा 20 A3, और ये 40 आ जाएगा, तो A3 की वैल्यू आ रही है प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब थर्ड बॉडी का जो एक्सेलेरेशन होगा वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। आप देखिए, ये हमने 3 बॉडी का क्वेश्चन है और एक लाइन में सॉल्व कर दिया इसको। अगर आप तीनों का अलग अलग करोगे तो एक तो बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा और फिर तीन तीन न्यूटन्स लॉ लगाने पड़ेंगे, जो मुश्किल होगा और काफी मुश्किल होगा। गलत होने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, यहां पर सिर्फ सही होगा, सही के सिवा कुछ नहीं होगा। तो फटाफट जल्दी से इसको लिख बता देंगे। दो ब्रह्मास्त्र हैं, नारायणी अस्त्र और ब्रह्मास्त्र, दोनों पकड़ा देंगे तुमको किसी दिन। हाँ बेटा, एक आंसर बताओ, कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? है, मेरा कैलकुलेशन वैसे बहुत खतरनाक है, अक्सर गलत होता है। है? गलत हुआ नहीं अभी? तुम्हारे पार्थ दोबारा काइनेमेटिक्स पढ़ रहा है नए बच्चों के साथ, पार्थ वहां पे काइनेमेटिक्स दोबारा पढ़ रहा है सारे बच्चों के साथ, चूंकि सारे बच्चे नए हैं। तो अभी हम लोग वहां पे 1D मोशन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ा रहे थे, फिर भी सवाल गलत कर देता, हमने कहा अब तो शर्म करो। नए वाले बच्चे आंसर पहले निकाल लेते हैं, हमने कहा पार्थ अब तो शर्म करो यार।
ये एक थिक स्ट्रिंग है, क्या है? थिक स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग में मास कुछ है 30 किलोग्राम, इसका मास है कितना? मास है जी की वैल्यू 10 ले लीजिएगा। अब सुनिए, इस स्ट्रिंग में 3 मंकी ब्रदर्स है, सबसे ऊपर वाला छोटा भाई वजन 10 किलोग्राम, ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर बीच वाला मझला मंकी, ये हमारा नीचे की तरफ उतर रहा है, इसके एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे बड़ा भाई सबसे नीचे है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो आपको ये बताना है कि इस पॉइंट पे टेंशन फोर्स कितना लग रहा होगा, सीलिंग से बिल्कुल जो एंड कनेक्टेड है एकदम ज्वाइंट पे कितना फोर्स होगा ये बताना है, एंड पॉइंट पे टेंशन बताना। सिस्टम में कितनी बॉडी है? गलत जवाब, 4 बॉडी। सिस्टम में 4 है, स्ट्रिंग भी तो खुद एक अपने आप में मास है पूरा। देखो छत को हटा देना, इस पूरे को सिस्टम मान लेना, एक फोर्स लग रहा होगा जो छत लगा रही होगी ऊपर की तरफ टेंशन, और एक इन सबका वेट लग रहा होगा, वेट हमेशा एक्सटर्नल होता है। फिर वही लगा दो फॉर्मूला, ये तुम्हारे सामने रखा है फॉर्मूला। कौन सबसे पहले आंसर बता रहा है, किसको शाबाशी मिल रही मेरी? नेक्स्ट क्लास में अब सूडो फोर्स पढ़ा के सब खत्म कर दें, न्यूटन्स लॉ, बाकी कोई चैप्टर कभी खत्म नहीं होता, इतने दिन और पढ़ा सकते हैं इसको नया नया, लेकिन अभी यहीं पे रोकना पड़ेगा हमें अपने आप। सूडो फोर्स पढ़ाएंगे वो जरूरी है। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन बताना है। अरे पहले सिस्टम तो बनाओ अलग से, ऐसे सिस्टम बनाओ, यहां पे टेंशन लग रहा होगा स्ट्रिंग पे ऊपर की तरफ, ये पूरा सिस्टम बनाओ, इसको एमजी कितना लग रहा होगा, जोड़ो वेट 20, 10, 30, 45 और 30, 75। स्ट्रिंग का बेटा मे बी, अब आइए देखो, 2 ही एक्सटर्नल फोर्स है, सबका वेट, स्ट्रिंग का वेट भूलना जाना, आ ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लेते, तो नेट फोर्स क्या होगा, टीपी माइनस 75 जी, ये एफ हो गया, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू M1A1। देखो स्ट्रिंग तो मूव कर नहीं रही, इसका एक्सेलरेशन तो क्या है 0, फिर छोटा मंकी ब्रदर ऊपर जा रहा है, ऊपर अपवर्ड पॉजिटिव लिया है 2, मझला मंकी ब्रदर क्या है -1, M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 प्लस M4A4, बताओ बेटा हाँ, लगा डाला, लगा डालो, लगा डालो, अगर 755 अब नहीं जा रही है लग रहा है, ATM मुझे लग रहा है अब नहीं जा रही है, 755 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ये काफी अच्छा सवाल है, लेकिन हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है उससे ये सवाल एक लाइन में हमने सॉल्व किया, यही तो एक लाइन को हम काम की है, ये बिकॉज ये वाली डायरेक्शन बेटा हमने पॉजिटिव लिया है, ये माइनस क्यों, ये फोर्सेस वेक्टर ऐड करें ना, एक वेक्टर ऊपर लग रहा है कि नीचे, तो दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट के लिए घटाना पड़ेगा,
ठीक है, तो हमने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली है, तो दिस माइनस दिस अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो जोड़ देंगे, ए प्लस बी हो जाएगा, है ना, दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है तो घटा देंगे, ठीक। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक मैं क्विज लाता हूँ आपको एनएलएम, लेकिन लो एनएलएम की क्विज तो वहीं रह गई, लेकिन काइनेमेटिक्स 4 क्विज कब जाएगी, लास्ट टाइम की क्विज क्या है, थर्ड वाली क्विज दे दें तुमको, तुम नहीं